साल के सबसे बड़े दिन रविवार को भारत समेत विभिन्न देशों में इस साल का पहला सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। सूर्य ग्रहण का स्पर्श जोधपुर में सुबह 10:08 पर और मध्य 11:47 पर रहा। वहीं मोक्ष दोपहर 1:36 पर रहा। करीब 3:28 अवधि वाले सूर्य ग्रहण का सूतक 12 पूर्व शनिवार रात्रि 10:08 से शुरू हो गया था, जो सूर्य ग्रहण के अवधि काल में एक साथ 6 बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु और वक्री रहा। इसका सूतक बीती रात से ही लगने के कारण लोगों ने पानी के पात्रों व अन्य खाद्य सामग्री पर डाब रखी, जिससे उस पर सूतक का ग्रहण का प्रभाव नहीं हो। इधर ग्रहण के कारण सुबह मंदिरों के पाट नहीं खुले, इस दौरान लोगों ने दान पुण्य भी किए। वहीं ग्रहण के नज़ारे को देखने के लिए जिज्ञासु व्यक्तियों एवं बालिकाओं ने ग्रहण की अद्भुत खगोलीय घटनाओं को एक्सरे पट्टिका से देखकर रोमांचित महसूस किया। खास बात यह है कि देश भर में सबसे पहले सूर्य ग्रहण राजस्थान में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में दिखाई दिया। यहाँ विभिन्न गाँवों और कस्बों में सूर्य संपूर्ण वलयाकार रिंग ऑफ फायर यानी आग के छल्ले के रूप में दिखाई दिया। अनूपगढ़ में सूर्य के छल्ले के रूप में बदलते ही पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट चले। इस बीच मंदिरों में भजन कीर्तन का दौर भी चलता रहा। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में भी लगातार भजन होते रहे। आया था सूर्य ग्रहण कह रहे हैं, वैसे चंद्रमा ग्रहण सूर्य ग्रहण आते रहते हैं। इस साल जो आया है थोड़ा भारी है। देश के अंदर विघट अशांति तत्व फैलाने के लिए, अनेक बीमारी पैदा करने के लिए विवाद तूफान वो कभी इसका लक्षण बताते हैं। हमें परमात्मा को विनती करते हैं कि घर में रह करके जाप करके परमात्मा को याद करें कि कोरोना जैसी बीमारी जुलाई तक हमारे देश में कम हो जाए। और सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, गरीब की सेवा करें, मानवीय की सेवा करें। हर इंसान ईश्वर का अंश है। ये सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर है, सबको लगता है, जाति से मतलब नहीं, धर्म से मतलब नहीं, हर प्राणी मात्र पर लागू होता है। जल सूर्य सबको धूप देता है, इसीलिए पूरे विश्व के अंदर आज सूर्य ग्रहण जो आया है, इसकी हवन पूजा करनी, दान पुण्य करना, बचाव करना और सबसे पहली घर में बैठ के एकांत में अपना मन में ध्यान करें। हमें गुस्सा कम आएगा, क्रोध कम आएगा। इसका लक्षण है तूफान आना, अशांति होनी, भूकंप आना। इसका 6 का असर चलता है और ये बाढ़ के वर्ष के अंदर सूर्य ग्रहण जो आया है, ज्योतिष के अनुसार अनेक बम्मत बार करते रहते हैं। मेरा तो यही मानना है कि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। गरीब की सेवा करेंगे, उनके आशीष से सूर्य ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे। और गौ सेवा करनी, मंदिरों में पूजा, घर में यथाशक्ति दीपक लगा के होम करना, जिसे ऊर्जा से घर की शांति होती है। ऐसी मेरी आशा है। सबके लिए शुभकामना करता हूँ कि कोरोना जैसी बीमारी से हम भाग जाएं, बाहर निकल जाएं और सब पर भगवान रक्षा करें। रामापी से प्रार्थना करता हूँ सैन जी महाराज से, यही मेरी आशा है। सूर्य ग्रहण से लोगों को आगे क्या कुछ करना चाहिए? आगे उनको देखना चाहिए कि इस विकट में ऐसा समय आ रहा है, प्रेम से भाईचारा रखें, दान पुण्य करें, लोगों की मदद करें और बीमारी कोई है तो उसकी छुआछूत नहीं, उसकी मदद करें। और जो हमारे देश में काम करने वाले हैं उनका सम्मान भाव करें, आने वाले समय की तैयारी रहे। आप बच्चों ने कभी सूर्य ग्रहण देखा नहीं था, कहते 500 साल, इतना बड़ा 500 साल पहले आया है। तो आप लोगों को भी क्या युवा पीढ़ी को समझना है कि अपने माता पिताओं की सेवा करें। आज फादर डे भी है, फादर डे के दिन माता का योग दिवस भी है और सूर्य ग्रहण भी है, अमावस्या भी है। रविवार को सूर्य ग्रहण आना सूर्य के दिन में आया है, इसका प्रभाव ये कामना करता हूँ राजस्थान में जमाना हो बरसात पर। हमें बचाव करना जरूरी है युवा पीढ़ी को कि अपने माँ बाप की सेवा करनी, आज्ञा माननी और गरीब मानव की सेवा करनी। और सबसे बड़ा अन्नदान है, भोजन भूखे को भोजन खिलाना, सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण का दिन है, गरीब की सेवा कर।